हमारे गार्जियन पवन जी हैं, हमारे गार्जियन खेसारी जी हैं, मगर उन लोगों को अगर वही ऐसा करेंगे तो जैसी बात है फिर जो नीचे स्तर के जो छोटे सिंगर हैं जैसी बात है वो करेंगे, और अगर वो कर देते हैं तो उनके ऊपर ये होता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। अब भाई क्यों नहीं करेगा, जब जब हमारे घर का गार्जियन अगर गलत करेगा तो बच्चे जरूर ही गलत। नमस्कार, मैं अरविंद कुमार मौर्य स्वागत करता हूँ भोजपुरी ए टू जेड पर। और जानते हैं क्योंकि आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री में होली के नाम पर लोग अश्लीलता का सबसे बड़ा परिचय दे रहे हैं। तो आज मेरे साथ में इसी मुद्दे को लेकर बात करेंगे, हमारे साथ सिंगर बिट्टू राजा हैं, जो तो भोजपुरी इंडस्ट्री के बेहतरीन सिंगर हैं, तो कुछ चर्चाएँ हम करेंगे। सबसे पहले अपने अंदाज में बिट्टू राजा का स्वागत करते हैं। स्वागत है। धन्यवाद अरविंद भैया का हमारे, और ए टू जेड देखने वाले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बात हो गई, आते हैं मुद्दे की बात जिसके लिए मैं आपको आज इनवाइट किया हूँ। तो उस मुद्दे पर बात आते हैं, जैसे खेसारी जी ने गाया कि आजकल होली का गाने चल रहे हैं, कोई पैंपी सेट जला के, तो कोई डालेंगे बंदर डालेगा अंदर, हैं खेसारी जी का गाना जी। अभी वो मैं वही चीज़ देखना बताना चाहूँगा कि मैं अभी सुबह मैंने देखा था कि एक खेसारी जी का भी पोस्टर आया था कि बंदर डालेगा अंदर, और इसी तरीके से मतलब ये क्या है प्रमोशन करने का। अगर आप पहली चीज़ ये है कि आपके पास जब इतनी फैन फॉलोइंग है और आप अच्छा काम भी कर रहे हैं और इंडस्ट्री में आपके अच्छी पकड़ है, उसके बावजूद अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरी नज़रिए में ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे सभी दर्शक और जो हमारे गार्जियन स्वरूप जो हमारे एक्टर हैं रवि किशन जी, मनोज तिवारी जी, सभी लोग एक जो दौर था, चलिए अपने दौर में आदमी कोई कुछ भी काम करता है, मगर एक जो दौर चल रहा है कि नहीं आप लोग अश्लीलता से मत थमने लगाइए, या जब आपका टाइटल ऐसा रह रहा है कि हाँ बंदर डालेगा अंदर। और अभी एक नीलकमल जी का आया था, मैंने वो भी देखा था, नीलकमल जी ने उनका था कुछ भाभी के लहंगा करके कुछ था, तो मतलब ये क्या है, मतलब ऑडियंस उसको देखती है। अब आप ऑडियंस के सामने आप ऐसी चीज़ दे रहे हैं तो भाई पता नहीं क्या है कि क्या चल रहा है। आप लोगों के पास हर चीज़ है, आप लोग अच्छा काम करते हैं, आप लेबिल का काम करते हैं, मगर ये सब मेरी नज़रिए में भैया ये अच्छा नहीं लगता है। बहुत से सिंगर हैं, जैसे आपने मोहन राठौर की बात जी जी, वही चीज़ हमारे बीच एक से एक अच्छे सिंगर हैं हमारे, जैसे कि आलोक भैया हैं, मतलब इतना अच्छा कि सूफी उनसे अच्छा कोई गाता नहीं है। मतलब गायकी के मामले में देखा जाए तो एक से एक सिंगर है हमारे, पवन भैया है, खेसारी जी भी है, मतलब एक अच्छी सिंगर हूँ मैं, खुद उनके गाने सुनता हूँ, मैं खुद गाने उनके गाता हूँ, पवन जी के गाता हूँ, खेसारी जी के खुद गाता हूँ मैं गाने, मगर एक होता है कि बुरा लगता है कि हम लोग उस चीज़ को बढ़ावा देना नहीं चाह रहे हैं। हम छोटे सिंगर हो के अगर ये चीज़ बात को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बड़े लोगों को इस चीज़ को सोचना चाहिए, उस चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए कि नहीं, अगर हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। मेन चीज़ है हमारे गार्जियन हैं आप, हमारे गार्जियन पवन जी हैं, हमारे गार्जियन खेसारी जी हैं, मगर उन लोगों को अगर वही ऐसा करेंगे तो जैसी बात है फिर जो नीचे स्तर के जो छोटे सिंगर हैं जैसी बात है वो करेंगे, और अगर वो कर देते हैं तो उनके ऊपर ये होता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। अब भाई क्यों नहीं करेगा, जब जब हमारे घर का गार्जियन अगर गलत करेगा तो बच्चे जरूर ही गलत करेंगे।